व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो का टाइटल सच में इंटरेस्टिंग है। पहले मैं पढ़ी देता हूँ। पाकिस्तानीज आर गोइंग क्रेजी टू वॉच केजीएफ 2 और थंबनेल में लिखा हुआ है केजीएफ देखने के लिए पाकिस्तानी बावले हुए जा रहे हैं। शॉकिंग नेशन। तो उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब इंडियन मीडिया लेटेस्ट चैनल से। इनकी वीडियो बहुत अमेजिंग होती है और भाई का भी देखना, बात करने का तरीका भी काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो करते हैं शुरू। चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3। बहुत अच्छी मूवी लगी है मुझे। उसके अंदर मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट हीरो है रॉकी। बहुत अच्छी मूवी है। जी जी बिल्कुल। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है मैंने तो। बेहतरीन भाई एक्शन जो उसमें था वो आउटक्लास ना। उसकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत फैसिनेट करती है। पाकिस्तान सिनेमा का असल में बजट लो है ना, इतना पाकिस्तान का एक्सपोजर नहीं जितना इंडियन सिनेमा का आजकल। KGF ने बहुत बम्पर कमाई की है। अभी तक करीब 670 करोड़ रुपया वो कमा चुकी है और अभी तो पता नहीं कितने कमाएगी। हमारी हॉलीवुड मूवी हो चाहे हमारी साउथ की मूवी, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब होती जा रही है। उन्हीं में से एक फिल्म है KGF। आई थिंक आप लोगों ने अभी तक काफी लोगों ने देख ली होगी, जिन्होंने नहीं देखी हो तो आप भी देख लेना। ठीक है। इतनी शानदार मूवी का प्रोडक्शन हमारे देश के अंदर हो रहा है और वो पिक्चरें पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रही है और पैसा कमा रही है, तो हम हिंदुस्तानियों के लिए तो ये गर्व की बात। लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इन पाकिस्तानियों के पास अपनी मूवी चलाने का कुछ बजट तो होता नहीं क्योंकि ये भूखे नंगे तो नहीं, क्योंकि ये अपनी हरकतों की वजह से। ऐसे नहीं कि पैदाइशी भूखे नंगे, पैदाइशी तो बहुत मालामाल थे, जैसे भारत था वैसे थे, ये भारत से आगे थे एक समय तक, लेकिन ये हरकतों की वजह से अपने भूखे नंगे बदहाली में पहुंच चुके हैं। ऐसे में एक भाई साहब निकले हैं पाकिस्तानी पब्लिक की राय जानने के लिए कि केजीएफ का जलजला आखिर है क्यों, और वो जलजला आपको भी देखना चाहिए और मैं तो देखूंगा आपके साथ। शुरू करते हैं। काय की मूवीज देखती है? यस। केजीएफ बड़ी मूवी आ गई, देखिए कोई पता केजीएफ के बारे में? हाँ, बहुत अच्छी मूवी लगी है मुझे। उसके अंदर मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट हीरो है रॉकी, सो दैट्स व्हाई मुझे बहुत अच्छी लगी। आप रॉकी की फैन है? मतलब हमने देखा संजय दत्त भी उस मूवी के अंदर है, विलन का रोल प्ले करे, तो संजय दत्त अच्छे लगे उस मूवी के अंदर? नहीं, मुझे सबसे ज्यादा रॉकी फैन अच्छी। आपको पसंद है तो मुझे ये भी बता दीजिए कि आपको मूवी का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा इस पूरी मूवी के? मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट ना उसका वो लगा था जिस मैन पे रॉकी मरता है, जो उसका सैड पार्ट था, वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। बात तो आपने वैसे सही की है, एक तरह से वो सैड पार्ट भी था, लेकिन होप सो कि क्या पता अगले पार्ट में फिर से जिंदा होकर आ जाए। कोई पता नहीं रॉकी है, रॉकी मरता कहां है। होप सो, बट मुझे सबसे फेवरेट वो लगा था पार्ट। बड़ा बोरिंग सा रिएक्शन दिया मैडम ने, मजा नहीं आया। मजे तो नहीं आया, आपको आया तो पता नहीं। केजीएफ की बात करते हैं जी, केजीएफ बड़ी भरी दुनिया की मूवी है, रिलीज हो चुकी है। आपने देख लिया केजीएफ? जी देख लिया। आपने देख लिया? आपने देख? नहीं यार, मैंने नहीं अभी देखी। मैं अच्छे प्रिंट का वेट कर रहा हूँ कि मैं अच्छे प्रिंट का वेट कर रहा हूँ कि मैं अच्छे प्रिंट का वेट कर रहा हूँ। अरे मेरे कॉपी मास्टर हो, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले लो, इतना तो खर्चा कर लो, हर चीज कॉपी करके डाउनलोड करके चोरी से ही देखनी है क्या? सालो भूखो लंगो, अच्छा प्रिंट नहीं आया, अच्छा प्रिंट नहीं आया, ये क्या बात हुई? प्रिंट नहीं आएगा तो तुम देखोगे नहीं? देखो हमारी मूवी है। आई एम सॉरी बाबू। बहुत बड़ी अकलमंदी का काम कर रहे हैं क्योंकि मूवी भी अच्छे प्रिंट में देखने वाली है। मुझे ये बताया आपको केजीएफ कैसी लगी? बड़ी जबरदस्त अगर हमारे पास स्पॉन्सर आप भी जाते हैं, मतलब कि फिर लोग कहते हैं कि हमारा बजट कम पड़ जाता होता है, ये भी कोई मसला? बजट भी ऑब्वियसली, बजट के भी बीच में इशू है और एक्टिंग के लिए सब चीज़ें, लेकिन जो इंडियन सिनेमा है वो सबसे ऊपर है। उनका बजट हाई होता है? उनका बजट हाई होता है, मतलब आपने सही बात की, एक ही वर्ड में आपने एक्सप्लेन कर दिया बजट हाई होता है। क्या आपको क्या लगता है क्या वजह? यार जो है ना इंडियन इंडस्ट्री वो मतलब इसको बहुत सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तानी इंडस्ट्री इसको मतलब कितना बॉदर नहीं करती है, नहीं इसको सपोर्ट ही नहीं करती है, तो जिस वजह से हम बहुत पीछे हैं। तो मतलब हमारे जो मेन मसला आ रहा है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, मैनेजमेंट में आ रहा है? ऐसे ही कैसे थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट में भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती यार, कि अगर हम इसको प्रमोट करें तो बहुत से ऐसे टैलेंट है जो सामने आ सकते हैं और इस तरह की हमारी कंट्री में भी मूवीज बन सकती हैं जो हम। तो आपने सही बात की, हमने देखा है हॉलीवुड ज़्यादातर अपना इकोनॉमी सारी फिल्म इंडस्ट्री से चला रहा था। आपने सही बात की, हमने देखा है हॉलीवुड ज़्यादातर अपना इकोनॉमी फिल्म इंडस्ट्री से चला रहा था। ये एंकर है या पजामा है पहले तो मुझे बता दो। ये कह रहा है कि हॉलीवुड अपनी सारी इकोनॉमी फिल्म इंडस्ट्री से चलाता है, मतलब हॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री में क्या फर्क है? इस गधे से पूछो आप, पूछो इससे बस। अरे भाई वो हॉलीवुड है तो फिल्म इंडस्ट्री बनाएगा, पिक्चर ही बनाएगा, वो कौन सी सरकार चलाएगा देश की? भाई फिर पाकिस्तानी आके मुझे बोल के जाते हैं हम गधे नहीं है, तो प्रूफ देख लो भाई। ये बिल्कुल ये पाकिस्तान सिनेमा का असल में बजट लो है ना, इतना पाकिस्तान का एक्सपोजर नहीं जितना इंडियन सिनेमा का आजकल। बजट
डायरेक्शन इनके भी नहीं इतनी स्ट्रॉन्ग है मेरे ख्याल से, इस वजह से। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि 4 दिन हो गए KGF को रिलीज हुए, अंदाजन कितने करोड़ का बिजनेस कर गई होगी वर्ल्ड वाइड अभी तक? 80 to 90 करोड़ बहुत अमाउंट होती है, मतलब कि 20 करोड़ पर डे का बिजनेस आप बता रहे हैं 4 दिन के अंदर। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि मेरी बहन आप थोड़ा और एक और तुक्का मार लें, आखिरी तुक्का मार लें, क्योंकि अभी मैं कहूँगा पीछे हैं। 100 करोड़ मतलब कि 10 करोड़ की आपने जंप कर दी, आपका फाइनल डिसीजन 20 to 25 करोड़। आपने तो जिसको कहते हैं एक दिन का बिजनेस मुझे लगता है बता दिए, मैं 4 दिन का पूछ रहा हूँ। I don't have any idea. कुछ तुक्का मार लीजिए थोड़ा। 50 करोड़ भाई, इन्होंने 50 करोड़ तो क्या है, आपको क्या लगता है आज नासर कितने करोड़ का बिजनेस लगा? तो जिस तरह की एक्शन मूवी ने राउंड अबाउट कोई 300 to 800 करोड़ तो होना चाहिए। देखा ना, ये मतलब ट्रू मूवी फैन है, इनको अंदाजा है मूवी का। तो बड़ी मूवी है, मेरे ख्याल में 70 करोड़ किया होगा। 70 करोड़ किया होगा, 70 करोड़ 4 दिन के अंदर बहुत बड़ी अमाउंट होती है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, मैं कहूँगा अभी आप तरह पीछे हो, मतलब कि थोड़ा और एक बार तुक्का लगा लो भाई, चले 100 करोड़ कर लें। 100 करोड़ मतलब 4 दिन में 100 करोड़, एक दिन का 25 करोड़ होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट होती है। मतलब कि हमने देखा है बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज एक दिन का 25 करोड़ कमाती है। तो दिन हो गए KGF को रिलीज हुए, KGF 20 तारीख तक वर्ल्ड वाइड 670 करोड़ रुपए कमा चुके। नंगे कंगलो, तुम्हारी जितनी सोच है तुम उतना ही सोचोगे, 70 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, क्योंकि तुम्हारे लिए तो ये भी बहुत बड़ा अमाउंट होता भाई, ये भी बहुत बड़ा अमाउंट होता इन लोगों के लिए तो एक फिल्म से कमाना। कितने करोड़ का बिजनेस कर गई होगी KGF पार्ट 2 अभी तक वर्ल्ड वाइड? 60-40। ये मेरे प्यारे भाई पाकिस्तानी मूवी नहीं है, मैं कहूंगा आप एक और बार सोच लें, थोड़ा तुक्का लगाएं, KGF बहुत बढ़िया ब्रांड है। 90-80 मतलब आपको फाइनल आई? इनकी सोच ही नहीं है कि भाई इससे ज्यादा रुपए भी होते हैं। 70-80 करोड़ में आके रुक गए, वो भी पाकिस्तानी रुपए जो इंडिया के अंदर तो 35-34-35 करोड़ ही बनेंगे। तो इनकी सोच ही नहीं, इससे आगे सोच ही नहीं रही है, सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इससे आगे तो पैसे ही नहीं होते पाकिस्तानियों के लिए। तो प्राइस बताने जा रहा हूँ, 4 दिन के अंदर जो KGF का वर्ल्ड वाइड बिजनेस है वो अभी तक कर गई है 500 करोड़ का। 500 करोड़ का अभी तक बिजनेस कर चुके सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के अंदर। आप अंदाजा लगा लो, खाली इंडिया के अंदर 217 करोड़ का बिजनेस कर लिया। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी इतना ज्यादा। अभी आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर सिनेमा में रिलीज नहीं हुई KGF का पार्ट 2 ने जो पहले 4 दिन के अंदर जो बिजनेस किया है वो है वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड के। मतलब कि वो सारे जो पुराने रिकॉर्ड थी ना वो तोड़ती हुई जा रही है। एक दिन के अंदर 53 करोड़ का उसने बिजनेस किया। बाहुबली के बाद जो बड़ी मूवी आई है वो KGF आई है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है कि बाहुबली काफी बड़ी मूवी थी, पर KGF का तो आपको पता है फिर नेक्स्ट लेवल है। मतलब कि कल तक की जो कलेक्शन है KGF पार्ट 2 की वर्ल्ड वाइड वो है 500 करोड़, और इंडियन के लिहाज से देखा जाए 217 करोड़। बनता है भाई उनका, बनता है। मतलब कितना पैसा कमा चुकी है देखे 4 दिन के अंदर। मतलब कि मूवी से पता चलता है बहुत बड़ी मूवी है बाहुबली। KGF दोनों में से कौन सी बेस्ट मूवी? KGF आई थी यानी आपको बाहुबली ज्यादा अच्छी KGF लगी है? अच्छा, अभी तक दुनिया के अंदर 500 करोड़ का बिजनेस। आपको पता है माशाल्लाह इसके पीछे हमें लग रहा है 500 करोड़, इसके पीछे 500 करोड़ वाली मेहनत की है तो उनको 500 करोड़ का बजट आया। ये मन में सोच रहा होगा 500 करोड़ तो होते ही नहीं है यार, ये तो कैसे निकलता है। आप लोगों को ये व्यू कैसे लगे, और आपको क्या लगता है कि जो ये पाकिस्तानी जो ये बातें कर रहे हैं 30 करोड़ 35 करोड़ कमा लिए होंगे, इनका आइडिया गेस करने का आइडिया कहाँ तक था, इनकी सोच का लेवल ही आप समझ लो। और फिर ना ये पाकिस्तानी मेरे को बहुत सारे कमेंट करके जाते हैं, औरतें भी करके जाती है, महिलाएं भी करके जाती है, गालियां देके जाती है, तो भाई मैं कहाँ गलत बोलता हूँ भाई मैं? और पाकिस्तानी रिव्यू और KGF के बारे में आप लोगों को क्या विचार है वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। बोलने का तरीका भाई का बढ़िया लगता है मेरे को, मेरे को भाई हाँ। का बोलने का तरीका बहुत बढ़िया लगता है। ईयरफोन निकाल दो मैडम, वीडियो खत्म हो गई। और तूने एक चीज देखा कि मतलब वो सोच ही नहीं पा रहे कि 70-80 करोड़ से ऊपर बढ़े। 70-80 करोड़ वर्ल्ड वाइड बता रहे हैं, जबकि भाई साहब जहरी मतलब कि वो ये भी देखते हैं मूवी ने क्या रिकॉर्ड तोड़े। और लोग जैसे आके कुछ लिखते हैं ना पाकिस्तान से कि कुछ गालियां, वो कुछ अलग नहीं बता रहा, वो तो आप ही की ऑडियंस जो वहाँ पे बोल रही है उसने तो वही चीजें दिखाई है। और भाई अच्छा था कि हॉलीवुड का सारा तो इकोनॉमी जो है वो मूवी से चल रहा है भाई। लेकिन वो भाई के लिए अलग ही वाइब चल रही है, प्रिंट अच्छा नहीं आया, अच्छा प्रिंट लेके भाई यार देख। लेकिन मैं उसके ऑनेस्टी की फैन हूं भाई, तैयार था ऐसे कह रहा यार मैं वेट कर रहा हूं अच्छे प्रिंट का भाई, पायरेसी को समर्थन कर रहा हूं, जहरी आदमी हो रहा है वो भी ओपनली है तो ओपनली जा रहा है वहां पर। एक भाई को जो पता है 500 करो, ओ शिट ऐसे हैरान भाई, बुरशेट पहन के आता शर्ट पूरी यहां तक की पूरी पहन के। लेकिन उसने ये सही बोला कि भाई 500 करोड़ की मेहनत करिए तभी इतने, एक चीज ये पॉइंट है। और
ये जो स्टाइल है ना भाई का, इंडियन मीडिया लिटरेचर, इसलिए मेरे को पसंद है इनका बोलने का तरीका, और जो एक हेल्दी तरीके से वो है ना कि वो रोस्ट कर देते मस्ती, इनको पता है 500 करोड़ होते हैं, ये तो होते ही नहीं है, झूठ बोल रहे हो तुम। उन्हीं की बातों में भाई सही खेल जाता है, उन्हीं के साथ ही सही। वो कहने की वो पूछ रहे थे कौन सी मूवी बेस्ट है इसमें, इसमें देखो यार बाहुबली और ये मूवी कंपेयर करने लायक नहीं है, दोनों मूवी ही अलग अलग, इनकी मतलब उसका अलग स्टोरी लाइन है, इसका अलग है, प्लस दोनों अलग इन्वायरमेंट बनाए हुए दोनों के, और मूवी दोनों वन ऑफ द बेस्ट मूवीज कही जाएंगी। और एक मैं ये कहूंगा कि मतलब कुछ लोगों का तो ऐसा था कि वो जबरदस्ती वो इंटरव्यू दे रहे थे, है ना, कुछ लोगों का मन नहीं था, ऐसा लग रहा था कि बस आगे तो पूछ लेंगे अभी। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस बारे में जरूर बताना। मिलते हैं कबड्डी के साथ, बाय, टेक केयर।